सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शहबाज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका एक बिल्कुल सी नई वीडियो में। और आज का ब्लॉग जो है अपने शहरी का है, मतलब अपना जो फ्रेंड है आयुष, तो उसके हम लोग गाँव चलेंगे आज और गाँव का कुछ कवर करेंगे एरिया। काफ़ी समय से एक मन में थी इच्छा थी कि एक गाँव का भी ब्लॉग आए जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा सकूँ आपको गाँव की, और लाइफ स्टाइल गाँव की कैसी है और कैसा गाँव है। और साथ में आयुष है, आप देख सकते हैं इधर देखो भैया कितनी दूर है यहाँ से, बता दो। बस ये सामने ही है तो चलो चलते हैं। बस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है गांव। और अब बाहर की भी प्लानिंग चल रही है, तो इस बार कहाँ का प्लान रहेगा, क्या बोलते हो? तो आज अपने दोस्त के गांव चलेंगे, देखेंगे क्या है इसके गांव में, कैसा है सीन वहाँ का। तो अभी घर से निकल चुके थे और अभी गाँव आए हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पीती, तो ये कुछ गाँव का ऐसा सीन है। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, कितनी दूरी पर होगा यहाँ से? बस आधा एक किलोमीटर बचा है, उसके बाद अंदर जाके आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए निकलते हैं, चलो भाई स्टार्ट करो भाई। तो आ चुके हैं फाइनली गाइस, ये है आयुष का खेत जहाँ पे आप देख सकते हैं कटहल के पेड़ लगे हैं, और इधर ये आम के सारे पेड़ लगे हैं, उधर भी कटहल का पेड़ है और ये खेत है, उधर साइड एक और भी खेत है। ये देखिए आप, ये कटहल हैं, बहुत बड़े कटहल हैं आप देख सकते हैं, ये कटहल हैं और बड़े बड़े कटहल हैं, छोटे नहीं है इसमें, सारे बड़े कटहल हैं। लेकिन कटहल की जो सब्जी होती है वो छोटे कटहल की बहुत अच्छी होती है, इनकी भी अच्छी होती है, लेकिन छोटे कटहल का जो मज़ा है वो कहीं नहीं। ये कटहल के पेड़ हैं, बहुत कटहल लगे हैं, और उधर भी कटहल का पेड़ है, बाकी ये सारे आम के पेड़ हैं। और भैया बताओ, कच्चे आम लगे हैं इसमें, अभी भी इसमें कच्चे आम लगे हैं, जितना भी पका आम था वो सब तोड़ लिया गया, गिर भी गया है बरसात की वजह से। तो अभी उधर देख रहे हैं चल के, काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर गांव में ताज़गी बहुत अच्छी होती है, मतलब फ्रेशनेस ही आती है अंदर ही से ही, और शहर में तो आप जैसे देख ही सकते हैं धूल और पॉल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी कुछ देर आराम करेंगे हम लोग, यहाँ बैठेंगे, कुछ बातें होंगी और प्लानिंग करेंगे कि अगली ट्रिप जो रहेगी उसमें क्या हम लोगों को इंक्लूड करना है। और अपना आप प्यार बस देते रहिए हमें, ताकि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग सी वीडियो हम आप तक लाते रहें। ये एक बैठने के लिए अच्छा सा ये बना है। कहाँ रहते हो बेटा तुम? गौरिया में। यही गांव है तुम्हारा? हाँ। आम तोड़ने आए हो? खेलने। ये बच्चे खेलने आए यहाँ पर, और ये सब पेड़ हैं, इसी पे चढ़ के लोग खेलते हैं, आम वगैरह भी तोड़ते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, जिसमें कई सारे बच्चे ऊपर चढ़े भी हैं, काफ़ी तोड़ रहे हैं, बाकी ये नीचे हैं, ताता लगा हुआ है, मतलब जामुन अगर नीचे गिरे तो फटे भी ना, जामुन अच्छे हैं, काले जामुन हैं, मीठे हैं जामुन। सो गाइस उस गांव आयुष के गांव से निकल के थोड़ा आगे आए हैं, मतलब उसी रोड पे अपने घर की तरफ रोड पे, शहर से एक छोटा सा गाँव है अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप यहाँ का सीन। ए बेटा इसमें सांप आप सुना है? बहुत प्यारा है, छोटी छोटी तलैये हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तलैया भी है, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, सामने टूर्नामेंट भी चल रहा है उधर तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मौसम भी है और चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है, और ऐसा लग रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होते उस तरह से। सो आयुष अभी अंदर जा रहा है, चप्पलें बाहर ही उतार दी हैं, इनके चुन्ने बहुत थे, शांत नहीं हो रहे थे, कह रहे थे अंदर जाएंगे। सो गाइस जामुन तो बहुत ज़्यादा खाली है, काफ़ी पेट भी भर गया है, लाल काले सारे जामुन खाली हैं। अब देख सकते हैं पीछे खजूर लगा है, लेकिन ये खजूर जो हैं सारे कच्चे खजूर हैं, अभी ये पके नहीं हैं। तो अब चलते हैं, ये सामने एक पेड़ लगा है पके खजूर का, वहाँ खजूर चल के खाएंगे, बिल्कुल पके खजूर हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचे खजूर लगे हैं, नीचे नहीं हैं, और ये वाले पेड़ पर भी ऊँचे पे ही लगे हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे सारे खजूर के पेड़ हैं, और उधर भी हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ईटा मार के इन्हें तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं तो नहीं तोड़ पाऊँगा क्योंकि ऊँचे ज़्यादा हैं। अभी एक नीचे एक पुल है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और जिसके दोनों तरफ नदी है, काफ़ी लोग यहाँ नहाते भी हैं बच्चे लोग, तो ले चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस ये देख सकते हैं ये नदी है सामने, और ये काफ़ी दूर तक गई है नदी, अभी पत्थर वत्थर पड़े हैं, अभी चल के देखते हैं आगे, ये काफ़ी ख़तरनाक पत्थर हैं, पैर स्लिप हो गया तो चोट भी लग सकती है, इसीलिए आराम से चलना है। और उधर शिकार हो रहा है,
ये कुछ इस तरह से यहाँ का सीन है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, लेकिन ठीक है यहाँ पे बढ़िया सीन है फोटोग्राफी वगैरह के लिए, अच्छा सीन है। और ये पूरी नदी गई है पुल है ऊपर जो मेन पुल गया। चलिए उधर तरफ चलते हैं देखते हैं शिकार हो रहा है। ठीक है अभी भाई ने एक मछली पकड़ी है और कौन सी है ये भाई? हाँ ये पड़वी है इसका नाम है, छोटी है ये, यहाँ छोटी छोटी मिल रही हैं जितनी मछलियाँ हैं। और ये पॉलीथीन में भी है, ये पॉलीथीन खोलो भाई मेरा, देखे इसमें तीन ऑलरेडी पहले से पकड़ ली इन्होंने और दो तीन लगी लगी हुई है। तो यहाँ पे छोटी मछलियाँ काफ़ी हैं, बड़ी मछली नहीं है, बड़ी मछली जो है वो जाल से ही पकड़ मिलेगी। तो छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे, तो अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। आज काफ़ी इंजॉय कर लिया और काफ़ी घूम भी लिया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस ट्रैवल से जुड़ी मैं लाता रहता हूँ जो कि मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए सी यू एंड बाय।